नमस्कार दोस्तों, विकी की पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत। दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्वनाम का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार लेके आया हूं, जिसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और मैंने अपनी लाइफ में देखा है, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस में, कि सारे के सारे विद्यार्थियों को इसे समझने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होती है। तो दोस्तों, मैं आपसे दावा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं और 1 से लेकर 10 तक सेंटेंस पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं और मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ज्यादा सरल शब्दों में समझाऊंगा। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते क्या हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो भी शब्द हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, यानी All the words which we are able to use in place of noun, they are called pronoun, है ना? ये आप जानते हैं। और ऐसे सर्वनाम जो हम संज्ञा के स्थान पे प्रयोग करते हैं और प्रश्न पूछते हैं, तो वही कहलाते हैं हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा कि मैंने इस डेफिनेशन में लिख रखा है कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन। कि सर्वनाम यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। पर दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट बात, एंड इट्स आंसर मस्ट बी ए नाउन, और उसका जो उत्तर है ना वो एक संज्ञा होनी चाहिए। अगर उसका उत्तर संज्ञा नहीं है यानी नाउन नहीं है, तो फिर वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन नहीं होंगे। ये बात आपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम प्रोनाउन का जो प्रयोग करते हैं वो नाउन के प्लेस में करते हैं। और अगर ऐसे ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन, अगर उनका आंसर नाउन होगा तभी वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहलाएंगे। और साथ में दोस्तों, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ विद्यार्थी ये सोचते हैं कि जितने भी WH फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें कुछ हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं, कुछ हमारे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं, कुछ हमारे इंटरोगेटिव एडवर्ब होते हैं। तो आज के वीडियो में तो मैं ये तीनों नहीं बता सकता हूं, बट जब मैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बता दूंगा, तो उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी सीरीज पार्ट्स ऑफ स्पीच की, लास्ट में मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा आपको इंटरोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव एडवर्ब। सबसे पहले आज आपको मैं समझाऊंगा कि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंटरोगेटिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया कि आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है, सर्वनाम। और ऐसे सर्वनाम जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो और क्वेश्चन पूछे तो वो क्या कहलाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। पर एक बात आपने याद रखनी है कि उसका उत्तर एक संज्ञा ही होना चाहिए। और साथ में दोस्तों, आपको ये बात भी याद रखनी है कि वाक्य के अंत में इसमें फुल स्टॉप नहीं आता है यानी विराम चिन्ह नहीं आता है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंटरोगेटिव साइन आता है। अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज मैं आपको तीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंटरोगेटिव प्रोनाउन को समझाऊंगा, और भी होते हैं, बट अगर आपको ये तीन आ गए तो बाकी आपको सब आएंगे। और ये तीन को अगर आप आज मेरे साथ ढंग से समझ लेंगे तो आने वाले दूसरे वाले प्रोनाउन मैं आपको ना भी समझाऊं तब भी आप उन्हें समझने में कैपेबल होंगे, ये मैं आपसे दावा करता हूं। तो सबसे पहले आप समझते हैं कि हु क्या होता है। बहुत सारे विद्यार्थी इसकी हिंदी के पीछे पढ़ते हैं, हिंदी यहाँ पे मायने नहीं रखती है। ये जो हु होता है ना, ये वाक्य में कर्ता के स्थान पर आता है, याद रखना। ये एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। ये क्या होता है, एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है, जबकि वर्ड हमारा जो होता है एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है।
और जो होम होता है वो भी एक एज ए ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंट ये है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है और ये इनडायरेक्ट के लिए। अब बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कंफ्यूजन होती है कि भाई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैंने पत्थर से चिड़िया को मारा। वैसे तो मैं चिड़िया को मार नहीं सकता हूँ, माफी चाहता हूँ बोलने के लिए, कि मैंने पत्थर से चिड़िया को मारा। तो देखिए, मैंने मारा, मैं इस वाक्य का क्या हूं? करता हूं। सिंपल सी बात, सबसे पहले मैंने जो मारना, जो कि मेरी क्रिया है, उस पे इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? चिड़िया पे पड़ेगा या पत्थर पे पड़ेगा? आप सोच के बताइए। पत्थर पे पड़ेगा, क्योंकि जब मैं पत्थर को उठाऊंगा, मान लीजिए पत्थर है और मैंने उठाया और मारा, तो पहले तो मेरी क्रिया करने का प्रभाव इस पत्थर पे पड़ेगा और बाद में उस चिड़िया पे पड़ेगा। तो जब क्रिया पे जिसका प्रभाव पहले पड़ता है ना, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिस पे बाद में पड़ता है ना, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे एक और एग्जांपल दूं कि मैं राधा को किताब देता हूं, मैं राधा को किताब देता हूं, तो मैं इसमें क्या है? वाक्य का कर्ता, किताब देता हूं, मैं राधा को किताब देता हूं। तो देखिए, मेरे देने का प्रभाव पहले किस पे पड़ेगा? किताब पे, और बाद में किस पे पड़ेगा? राधा पे। तो जिस पे क्रिया का प्रभाव पहले पड़े वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जिस पे बाद में प्रभाव पड़े वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और एक और बात दोस्तों, कि ये जो क्या से जो आंसर आता है ना, यानी ये जो क्या वाला ऑब्जेक्ट होता है ना, ये नॉन लिविंग बींग होता है, यानी ये निर्जीव होता है। और होम क्या होता है? एक संजीव होता है। अभी ये प्रश्नों के माध्यम से, इन क्वेश्चन सॉरी इन सेंटेंस के माध्यम से आपको और भी अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा। तो दोस्तों, इतनी तो आपको बात क्लियर हो गई कि ये हमारा कर्ता के लिए प्रयोग होता है, ये हमारा प्रत्यक्ष कर्म के लिए प्रयोग होता है, और ये अप्रत्यक्ष कर्म के लिए प्रयोग होता है। अब हम वन बाय वन समझते हैं सेंटेंस के माध्यम से। पहला सेंटेंस आप देखिए, कौन क्रिकेट खेल रहा है? अब देखिए, सेंटेंस था राम क्रिकेट खेल रहा है या श्याम क्रिकेट खेल रहा है। अब मैंने सुना नहीं और मैंने पूछा अपने दोस्त से, भाई कौन क्रिकेट खेल रहा है? तो उसने आंसर दिया राम, उसने दिया आंसर श्याम या राहुल, दिनेश, दीपक, कुछ भी नाम दे वो। तो बट इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आप मुझे बताइए? एक संज्ञा होगा, सिंपल सी बात। तभी इस कौन को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। इंपॉर्टेंट बात है ये बहुत ज्यादा, कि आपका इसका जो उत्तर होना चाहिए वो हमारा नाउन ही होना चाहिए। अब इसे इंग्लिश में बनाना कैसे है? देखिए, ये जो कौन है, इसका जो भी आंसर आएगा वो इस वाक्य का क्या है? कर्ता। और अगर वाक्य के कर्ता के स्थान पे किसी प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो हमें आंख बंद करके हु ही लगाना है। याद रखनी है ये बात आपने। तो हमने यहाँ पे लिखा हु, हमने क्या लिखा? हु। अब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या आता है? फिर इज एम आर, तो अब क्या आएगा? इज आएगा। क्लियर है? हु इज प्लेइंग, क्योंकि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फोर्थ फॉर्म, यानी आई एन जी वाली। हु इज प्लेइंग क्रिकेट, हु इज प्लेइंग क्रिकेट। तो देखिए, बन गया पहला सेंटेंस। तो देखिए, हु इज प्लेइंग क्रिकेट, कौन क्रिकेट खेल रहा है? आंसर आएगा राम श्याम। तो आंसर इसका हमारा क्या आ रहा है? कर्ता, मतलब नाउन आ रहा है। इसलिए मैं हु को कह सकता हूं कि ये एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। मैंने सदर से क्या खरीदा? मैंने सदर से क्या खरीदा? अब देखिए, इस वाक्य में कर्ता कौन है? मैं हूं, यानी मैंने है। दूसरा, कर्म क्या है? डायरेक्ट कर्म क्या है? क्या खरीदा? मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने सदर से मोबाइल खरीदा, मैंने सदर से मोबाइल खरीदा। अब मोबाइल की जगह पे मैंने क्या प्रयोग किया है? क्या? अगर इसका आंसर है मोबाइल, तो मोबाइल क्या है? एक वस्तु का नाम। और किसी भी के नाम को आप क्या कहते हो? संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पे जो भी शब्द होता है वो क्या कहलाता है? सर्वनाम। और ऐसा सर्वनाम जो प्रश्न पूछे वो क्या कहलाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर आपको ये बात समझ आ रही है तो प्लीज वीडियो में लाइक के बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइबर मुझे मोटिवेट करता है दोस्तों आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। और मैं आपके लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ, ये रात के टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, तो आप एक लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों।
ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए, मैंने सदर से क्या खरीदा, इस क्या का आंसर आ सकता है मोबाइल, फल, फ्रूट, कुछ भी आ सकता है, बट वो होगा एक संज्ञा, ये बात आपने याद रखना है। तो इस क्या के लिए आप क्या लिखोगे, व्हाट लिखोगे, क्या लिखोगे, व्हाट, क्लियर है, व्हाट लिखा। अब देखिए इसमें वाक्य का क्या है, करता है, और ये कौन सा टेंस है, पास्ट इनडेफिनेट टेंस है। अब देखिए हु के साथ तो ना हमेशा कोई भी टेंस है, भले वो एक्टिव है, पैसिव है, मोडल्स है, इंपेरेटिव है, कुछ भी है, कोई भी है, तो उसका सिंपल का रूल लगता है, क्योंकि तीन तरीके के सेंटेंस होते हैं, चार होते हैं, सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव सेंटेंस। जब मैं सेंटेंस के वीडियोस बनाऊंगा तब ये बात मैं आपको बताऊंगा, बट अभी आप ये समझिए कि यहाँ पे करता है और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न। तो इसलिए आपने याद रखनी है ये वाली बात कि वर्ड के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, और पास इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, क्या होता है, डिड। तो जब भी हु करता हो, यानी कर्ता मौजूद हो वाक्य में, और क्या या किसको क्या प्रयोग किया जाए, तो उस टेंस का आपने कौन सा रूल लगाना है, इंटरोगेटिव का रूल लगाना है, याद रखनी है ये बात। व्हाट डिड, अब मैंने क्या लिखा, व्हाट डिड आई, मैंने क्या लिखा, व्हाट डिड आई बाय, व्हाट डिड आई बाय। वैसे तो पास इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड, बट यहां पे ये इंटरोगेटिव का रूल लगा तो डिड आता है पहले, तो डिड का जैसे ही प्रयोग होता है तो जो सेकंड फॉर्म होती है वो किस में बदल जाती है, फर्स्ट में, ये बात आपने याद रखनी है। तो व्हाट डिड आई बाय फ्रॉम सदर, फ्रॉम सदर, सदर का एस कैपिटल लिखना है आपने, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन है, ये बात का आपने विशेष ध्यान देना है। तो मैंने लिखा व्हाट डिड आई बाय फ्रॉम सदर, बहुत ही सिंपल सी बात, ये कितना सिंपल है दोस्तों। तो मोबाइल इसका आंसर होगा, जो कि क्या है, एक निर्जीव, और वो है एक वस्तु का नाम, तो तभी मैं इसको कह रहा हूं कि ये क्या है, एक इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, बहुत ही सिंपल सी बात। अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सेंटेंस की तरफ, तुम किससे प्यार करते हो, या फिर तुम किसको प्यार करते हो। इंपॉर्टेंट बात है कि आप किसी दीवार से तो प्यार नहीं करोगे, नेचुरल सी बात है, कोई संजीव प्राणी होगा, संजीव प्राणी यानी कोई पर्सन होगा, ठीक है। अब कोई पर्सन होगा, लिविंग बींग होगा, इसलिए यहां पे हम वर्ड का प्रयोग नहीं कर सकते, यही बात आपने याद रखनी है। देखिए हु को छोड़कर, हु को छोड़कर सभी प्रकार के इंटरोगेटिव प्रोनाउन में उस टेंस का, उस सेंटेंस का इंटरोगेटिव का रूल लगता है, ये बात आपने याद रखनी है। तो मैंने यहां पे किससे के लिए लिखा हूं, क्योंकि ये लिविंग बींग है, अगर नॉन लिविंग बींग होता तो वट आता, बहुत ही ज्यादा सिंपल। हूम करते हो, ते हो प्रेजेंट इन डेफिनेट, तो प्रेजेंट इन डेफिनेट का इंटरोगेटिव का रूल क्या है, डू स्लैश डज प्लस सब्जेक्ट। तो देखिए डू और डज में से कोई एक आएगा, अभी सब्जेक्ट क्या है, तुम, जो कि क्या आएगा, डू। हूम डू यू, हूम डू यू लव, यानी तुम किससे प्यार करते हो, या तुम किसको प्यार करते हो, इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में भी बदल सकते हैं। तुमने किससे प्यार किया, ऐसे बोलोगे तो हुम डिड यू लव, तुम किससे प्यार करोगे, हुम विल यू लव, किसी में भी चेंज कर सकते हो, तुम किससे प्यार कर रहे हो, हुम आर यू लविंग। तो जब मैं टेंसेस के वीडियोस बनाऊंगा तब ये चीज बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, मैं टेंस आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। इसलिए दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं और बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं, हिंदी के सेंटेंस के माध्यम से सीखना चाहते हैं, तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि उनका भी भला हो और साथ में मेरा भी भला हो, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए मेहनत करता हूं तो मुझे भी मेहनत का फल मिलना चाहिए, और यदि आप वीडियो देखें तो आपको भी समझ आना चाहिए, यही होता है एक दूसरे का सहयोग, और हमें एक दूसरे का सहयोग करना ही चाहिए, क्योंकि ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि टिकटॉक पे वीडियो देखने से अच्छा है कि कुछ नॉलेजेबल वीडियोस देखे जाए, क्योंकि टिकटॉक में कुछ नहीं मिलेगा आपको, और आप अपनी जिंदगी खराब कर लेंगे। अब मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ,
बट मैं आपको समझा रहा हूं कि आप YouTube पे वैल्यूबल कंटेंट देखें, कुछ सीखें अपनी जिंदगी में इस लॉकडाउन में और इस लॉकडाउन के बाद भी। तो देखिए, आपको ये तीनों सेंटेंस समझ में आए होंगे। यहां पे हुम एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ, व्हाट एज ए ऑब्जेक्ट बट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हुम ये क्या है एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हैव यू गॉट माय पॉइंट? आई थिंक ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई है। किसने ये खिड़की तोड़ी? अब देखिए बच्चे ना यहाँ पे समझ ही नहीं पाते। अब उनको तो रटा रटा है ज्ञान होता है, हु तो उस हु का मतलब होता है कौन, तो फिर वो इस सेंटेंस को नहीं कर पाते हैं। भैया यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर वाक्य का कर्ता मिसिंग है और उसके बदले में कोई सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो भैया उसके लिए आपको 100% हु का ही प्रयोग करना है, भले उसकी हिंदी कौन हो या फिर किसने हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने यहाँ पे लिखना है हु नहीं हु लिखा हमने हु। अब ये देखिए कौन सा टेंस है, पास्ट इनडेफिनेट। देखिए ये भी पास्ट इनडेफिनेट था बट यहाँ पे व्हाट का प्रयोग हुआ था, तो हमने उसका कौन सा सेंटेंस लगाया भाई, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एंड सोन, तो इंटरोगेटिव का रूल लगाया। बट यहां पे इंटरोगेटिव का रूल नहीं लगेगा, यहाँ पे सिंपल का ही रूल लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कर्ता था, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब उससे पहले लानी थी, बट यहाँ पे कर्ता है ही नहीं, किससे पहले आप हेल्पिंग वर्ब लाओगे, इसलिए यहाँ पे सिंपल ही रूल लगेगा, इस बात को याद रखना। तो हु पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, सेकेंड। हु ब्रोक यह खिड़की, यह खिड़की, यह दिस पास है ना, यह पास है, बट अगर यही दूर होती तो वह खिड़की, ये खिड़की क्या है कोई संज्ञा, तो ये फिर डेमोस्ट्रेटिव एड प्रोनाउन नहीं है, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। इस बात को ध्यान दें, जब मैं एडजेक्टिव की वीडियोस बनाऊंगा तब मैं आपको ये बात समझाऊंगा और अच्छे तरीके से। हु ब्रोक दिस विंडो, मैंने लिखा हु ब्रोक दिस विंडो, तो विंडो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु ब्रोक दिस विंडो यानी किसने ये खिड़की तोड़ी। अगर मैं बोलना चाहता हूं कि कौन ये खिड़की तोड़ता है, तो बस सिंपल सी बात है, हु ब्रेक्स दिस विंडो, ऐसे कर देंगे, बहुत ही सिंपल है। ये चारों के चारों सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। अब पांचवा बढ़ते हैं, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। देखिए यहां पे वाक्य का कर्ता है, तो भैया सिंपल सी बात है हु तो नहीं आएगा, बट हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो क्या के लिए तो 90% व्हाट ही आता है, क्लियर है। तो बहुत ही सिंपल सी बात, हमने क्या लिखा व्हाट, हमने क्या लिखा व्हाट लिख दिया। अब देखिए कर सकते हैं, हम परमिशन मांग रहे हैं उससे, और परमिशन मांगने के लिए हम मे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे कैन का इस्तेमाल कर रहा हूं, आप मे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, माइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं अभी कैन का प्रयोग कर रहा हूं। व्हाट कैन, व्हाट कैन, क्लियर है। वी, तो देखिए वी क्या है, सब्जेक्ट है, और यहां पे वी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये कैन इसके बाद नहीं आ सकता है, ये कैन इससे पहले ही आएगा, क्योंकि वाक्य क्या है प्रश्नवाचक, और जब भी प्रश्नवाचक वाक्य होता है और हु नहीं होता, और हु यानी कर्ता होता है, तो आपको उस हेल्पिंग वर्ब को हमेशा उससे पहले ही लाना पड़ेगा। यही तीनों दोस्तों हमारे इंटरोगेटिव, हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस भी हैं, बट जब ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इस्तेमाल होते हैं ना, तब हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आती है। जब मैं रिलेटिव प्रोनाउन का वीडियो बनाऊंगा तब ये बात आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। तो देखिए व्हाट कैन वी, व्हाट कैन वी डू फॉर यू, मैं लिखा व्हाट कैन वी डू फॉर यू कि हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। तो ये पांचों के पांचों सेंटेंस आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं हम छठे सेंटेंस की, तुम कल किससे मिलोगे। देखिए यहां पे वाक्य का कर्ता कौन है, तुम, कल तो हमारा एडवर्ब है, उसको छोड़िए, किससे मिलोगे, किसी इंसान से मिलेंगे, संजीव प्राणी से मिलेंगे, तो हम संजीव प्राणी के लिए क्या लिखते हैं, हुम लिखते हैं, इस बात को याद रखें। तो हमने लिखा हु, कौन सा टेंस है, फ्यूचर इनडेफिनिट है,
कर्ता मौजूद है, इसलिए इस यू से पहले हमें विल लेके आना पड़ेगा। हु विल यू मीट टुमोरो, कल के लिए, हम आने वाले कल के लिए क्या लिखते हैं, टुमोरो। तो मैंने लिखा हु विल यू मीट टुमोरो, कितना इजी है। देखिए कुछ भी नहीं है इसको समझना, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, आप रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप केवल उसे समझ सकते हैं, रट तो सकते ही नहीं। ये बात तो आप समझ लीजिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। कल सांप को किसने मारा, कल सांप को किसने मारा। देखिए सांप मारा गया, किसी ने तो उसको मारा था, मारने का काम जिसने किया था वो कौन है, कर्ता है, और यहाँ पे कर्ता मिसिंग है, और कर्ता मिसिंग है तो आप क्या वर्ड इस्तेमाल लगाओगे, हु लगाओगे, यानी हमने लिखा हु। अब ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। सांप को जान से मारने की बात कर रहा हूं तो क्या आएगा, किल्ड, हु किल्ड, सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि हु का प्रयोग किया गया, इस वजह से इसके सिंपल का रूल लगेगा। अगर हु की जगह व्हाट या हुम होता तो फिर इंटरोगेटिव का रूल लगाया जाता। तो हु किल्ड द स्नेक यस्टरडे, मैं यस्टरडे नहीं लिख रहा हूं, जगह नहीं है तो आप समझ जाइए, हु किल्ड द स्नेक यस्टरडे। हैव यू गॉट माई पॉइंट, आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, आठवां प्रश्न, कवि क्या कहना चाहता है, कवि का कविता में कुछ ना कुछ कहना चाहता है, कुछ उपदेश देना चाहता है, कुछ सीख देना चाहता है। तो मैं ये पूछ रहा हूं क्वेश्चन में कि कवि इस कविता में क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है। तो ये जो क्या आया है, ये भैया इसके लिए हम क्या वर्ड लगाएंगे, व्हाट, व्हाट लगाया, कहना चाहता है, ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कवि इज अ सिंगुलर नाउन, कवि इज अ सिंगुलर नाउन, एक कवि की बात कर रहा हूं। तो डू और डज में से क्या आएगा, डज आएगा। अब मैं डू और डज क्यों प्रयोग कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे कर्ता मौजूद है और प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है, तो हमें सब्जेक्ट से पहले 100% इंटरोगेटिव, सॉरी हेल्पिंग वर्ब को लाना ही पड़ेगा। तो मैंने लिखा व्हाट डज द पोएट, व्हाट डज द पोएट से, क्या लिखेंगे, से, मैंने क्या लिखा, व्हाट डज द पोएट से, कवि, ओ सॉरी, व्हाट डज द पोएट वॉन्ट, मैं यहां पे क्या लिखूंगा, वॉन्ट टू से, कहना चाहता है। तो देखिए कितना इजी है इसको समझना। अब बात करते हैं, तुम किसको देख रहे थे, मान लीजिए एक लड़का था, एक लड़की को देख रहा था, मैं आया, उसने भैया एकदम ही नजर इधर उधर कर ली, मैंने ला भाई तू किसको देख रहा था, तो नेचुरल सी बात, जिसको भी देख रहा था तो वो एक संजीव प्राणी है, संजीव प्राणी यानी एक पर्सन है, तो हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हुम प्रयोग करेंगे। तो मैंने लिखा हुम, क्या लिखा, हुम, कौन सा टेंस है, पास्ट, कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस है और कर्ता मौजूद है यू, तो हमें यू से पहले वर लाना ही पड़ेगा। हुम वर यू सीन, देख रहे थे, तो हुम वर यू सीन, लास्ट सेंटेंस देखिए, कौन भारत से आया है, कौन भारत से आया है, कौन भारत से आया है, मान लीजिए मैं अमेरिका में रहता हूं और मेरा एक दोस्त आया, मेरा पड़ोसी निकल के, हाँ भाई कौन भारत से आया है, तो नेचुरल सी बात है कर्ता पूछा जा रहा है, क्योंकि भारत से आने की जो क्रिया की गई है वो एक व्यक्ति द्वारा की गई है और वो मिसिंग है, और जब भी कर्ता नहीं होता तो हमें क्या वर्ड लगाना होता है, हु लगाना होता है, इस बात का आपने विशेष ध्यान देना है। तो हमने लिखा हु, क्लियर है। अब आया है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट, हु हैज कम फ्रॉम इंडिया, हु हैज कम फ्रॉम इंडिया। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 सेंटेंस जिसमें मैंने इंटरोगेटिव प्रोनाउन के कॉन्सेप्ट को समझाने की आपको कोशिश की है। अगर आपको ये मेरी कोशिश अच्छी लगी है और आपको ये समझ में आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कहते हैं मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।